1902 में आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण का जन्म बलिया में हुआ था। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उन्हीं के नाम पर है। 1942 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी जगत के मशहूर कवि थे। अमिताभ का नाम पहले इनकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथ ही रहे कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी शहंशाह भी कहते हैं। अमिताभ ने ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। में इसराइल के ऊपर मिस्र और सीरिया की फौजों ने दो तरफा हमला शुरू कर दिया था। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाया, पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार मिस्र और सीरिया के सैनिकों ने इसराइल की सीमा में पहले प्रवेश किया। जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई वो यहूदियों के लिए धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण दिन था। यहूदी इस दिन को पश्चाताप दिवस के रूप में मनाते हैं। इस लड़ाई में शुरुआत में मिस्र और सीरिया की फौजों ने 1967 की लड़ाई के दौरान इसराइल के कब्जे में चले गए कई इलाकों को वापस हथिया लिया। अरब जगत के कई देशों ने इस लड़ाई में पैसे और सिपाही मिस्र और सीरिया को उपलब्ध कराए, लेकिन अमेरिकी मदद और इजरायली फौजी काबिलियत की वजह से अरब देशों को झुकना पड़ा। अंत में अमेरिकी मध्यस्थता के चलते इस युद्ध का अंत हुआ। स्वेज नहर पर कब्जा मिला और सीरिया को 1967 में हारे हुए कुछ इलाकों का कब्जा वापस मिला। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की सरेआम हजारों लोगों के सामने उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो सालाना फौजी परेड के दौरान आसमान पर टकटकी लगाए जंगी जहाजों का प्रदर्शन देख रहे थे। सादात पर जमीन से उनके ही सैनिकों ने हथगोले फेंके। हथगोलों के फटने के फौरन बाद सामने से एक फौजी ट्रक से सैनिक बाहर कूदे और उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस हमले में कई विदेशी कूटनयिक मारे गए थे। मिस्र में सादात की हत्या के बाद तत्काल आपातकाल लागू कर दिया गया। अनवर सादात 1948 में पश्चिम एशिया में इसराइल को मान्यता देने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष थे। राष्ट्रपति सादात इसराइल को लेकर अपनी नीति के कारण पश्चिमी देशों में तो काफी पसंद किए जाते थे, लेकिन इसी कारण वो अरब देशों में बहुत ही नापसंद किए जाते थे। सादात की हत्या के बाद देश के उपराष्ट्रपति होस्नी मुबारक मिस्र के राष्ट्रपति बने। 1987 में श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम से मुक्त कराने के लिए भारतीय शांति रक्षा सेना ने ऑपरेशन पवन शुरू किया था। 1980 के दशक की शुरुआत से ही श्रीलंका लगातार बढ़ते हिंसक जाति संघर्ष का सामना कर रहा था। श्रीलंका में संघर्ष बढ़ने के साथ साथ भारत में शरणार्थियों की भीड़ भी बढ़ रही थी, जिसके चलते 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच शांति की बहाली के लिए समझौता हुआ। समझौते के तहत भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में शांति कायम करने में मदद करनी थी। इसका मकसद था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जैसे श्रीलंकाई तमिलों और श्रीलंकाई सेना के बीच गृह युद्ध खत्म कराना। ऑपरेशन पवन समझौते से गुस्साए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवाई थी।